मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि मनोरी नाम की लेडी अपने बच्चों को समझा रही होती है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और किसी ने भी अपनी आँख से पट्टी नहीं हटानी, और अगर किसी ने भी अपनी आँख से पट्टी हटाई तो उसे मैं सजा दूंगी, और बोर्ड पर कोई आपस में बात नहीं करेगा, नहीं तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। वो अपने बच्चों को समझा कर दो तीन चिड़ियों को अपने साथ ले जाती है। वो चिड़ियों को अपने साथ इसलिए लेकर जाती है ताकि उन्हें अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स का पता चल सके। वो अपनी और अपने बच्चों की आंखों में पट्टी बांधकर एक रस्सी की मदद से बोट पर जाती है और नदी पार कर रही होती है। तभी कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है जब वो लेडी प्रेग्नेंट होती है, जिसमें वो अपनी फ्रेंड से डॉक्टर के पास जाने की बात करती है। तभी वो दोनों बेबी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर वो न्यूज पढ़ती है कि शहर में कोई वायरस फैला हुआ है जिससे लोग अपनी जान ले रहे हैं। लेकिन वो इस न्यूज को सीरियसली ना लेकर बाहर चले जाते हैं। मलोरी की फ्रेंड जो है कार ड्राइव कर रही होती है, तभी उस पर वायरस का असर हो जाता है, वो कार का एक्सीडेंट कर देती है। वो दोनों कार से बाहर आते हैं। उसकी फ्रेंड एक ट्रक के नीचे आकर खुद को मार लेती है। मलोरी को एक लड़की बचाने आती है, वो भी उस वायरस की चपेट में आकर एक जलती हुई कार पे बैठ जाती है। तभी उधर एक टॉम नाम का आदमी आता है। वो मलोरी को एक घर में ले जाता है जहाँ पहले से कुछ लोग होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम सब मारे जाएंगे अगर कोई भी बाहर गया तो। तभी वहाँ ओलंपिया नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी आती है। वो कहती है कि प्लीज मुझे भी बचा लो। वो लोग उसे भी अंदर ले लेते हैं। सभी को उधर भूख लग रही होती है। तभी उनमें से एक आदमी कैमरे की मदद से बाहर देखता है। वो उस वायरस की चपेट में आकर खुद को मार लेता है। फिर वो सब एक कार में अखबार और पेंट की मदद से कार को चारों तरफ से ढककर खाना ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहाँ वो लोग एक सुपरमार्केट में पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारा खाना रखा होता है। वहाँ एक पादरी को उसका दोस्त मिलता है जो इस वायरस की चपेट में आया होता है। पादरी सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, और वो सभी वहाँ से खाना लेकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ वो सभी को बताते हैं कि उस पादरी की हमें बचाने में जान चली गई। तभी वहाँ से लूसी और फेलिक्स कार लेकर चले जाते हैं। मूवी के प्रेजेंट में दिखाते हैं कि 24 घंटे हो जाते हैं मलोरी को बोट चलाते। तभी वो और उसके बच्चे बोट के टकराने के कारण नदी में गिर जाते हैं और उनका सारा खाना और कपड़े भी पानी में बह जाते हैं। वो लोग एक जगह अपनी बोट रोककर घर में जाकर कुछ चादर और सामान ले आती है, और उसकी बेटी वहाँ से जा रही होती है अपनी माँ को ढूंढने। पर मलोरी उसे रस्सी से खींच कर अपने पास बुला लेती है और उसे खूब डांटती है कि तुम बाहर क्यों आई। तभी फिर से स्टोरी पास्ट के दिखाते हैं कि एक आदमी मदद मांगने आता है और ओलंपिया उसे अंदर बुला लेती है। डगलस मना करता है उसे अंदर आने से। वो कहता है कि हम सब मारे जाएंगे। ऐसी बात पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो आदमी गुड बनने की एक्टिंग करता है सबके सामने। तभी ओलंपिया के पेट में दर्द होता है। वहाँ वो बूढ़ी औरत उसकी डिलीवरी करने लग जाती है। इतने में मलोरी के भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो उसकी भी डिलीवरी करने शुरू कर देती है। तभी गहरे वो शैतान आदमी टॉम पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है, और वहाँ पर्दे हटा बाहर की रोशनी अंदर ले आता है। तभी वो रोशनी ओलंपिया की आँखों में जाती है। वो खुद को मार लेती है। वो आदमी उस बूढ़ी औरत की भी आंखें खोल कर उसे कैंची से मार देता है। वो मलोरी से उसके बच्चे मांग रहा होता है। डगलस आकर वहाँ मलोरी को बचा लेता है, और मलोरी को बचाने में उसकी जान चली जाती है। तभी टॉम को होश आता है। वो पागल आदमी को मार देता है। तभी स्टोरी 5 साल आगे को देखी जाती है, कैसे वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती है और अपना भरण पोषण करते हैं। तभी दिखाते हैं कि वो लोग फोन ट्राई कर रहे होते हैं। वो एक आदमी को लगता है कि जो उन्हें नदी के रास्ते से बाहर निकालने का रास्ता बताता है, पर मलोरी को उस आदमी पर यकीन नहीं होता है। वो टॉम को मना करती है। आगे दिखाते हैं कि वह कुछ लोग आकर उन पर अटैक कर देते हैं। टॉम कहता है कि मलोरी तुम बच्चों को लेकर बोट के रास्ते चली जाओ, मैं अभी सबको मार कर आता हूँ, अगर ना आओ तो तुम चली जाना। वो बच्चों को ले जाती है। तभी उन्हें बचाते बचाते टॉम को गोली लग जाती है। वो मलोरी बच्चों को बोट में लेकर चली जाती है। वो अपने बच्चों को बताती है कि हम शायद पहुँचने वाले हैं, कोई भी बाहर मत देखना। तभी पानी का बहाव जो है तेज हो जाता है, वो लोग पानी में बहने लगते हैं। मलोरी किसी तरह अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद एक बच्चा पानी में डूब गया है,
पर नहीं, वो भी बच जाते हैं। वो एक जंगल में अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। उन्हें एक आवाज आती है जो कहती है कि अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और मुझे देखो, पर मलोरी अपने बच्चों से मना करती है, कोई पट्टी नहीं हटाएगा। और वो शैतान से बचते हुए एक घर में पहुंच जाती है जहां बहुत सारे अंधे बच्चे और लोग होते हैं। वो लोग अब सेफ होते हैं। मलोरी के बच्चे भी उन्हें देख के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने आज तक इतने सारे बच्चे नहीं देखे होते। मलोरी वहां चिड़िया के बच्चों को भी आजाद कर देती है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आप ऐसी ही मूवीज की एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।